कटहल। एक गांव में चुन्नी लाल नाम का एक व्यापारी रहता था। वो बहुत स्वार्थी और चालबाज था। उसका नौकर था लड्डू। लड्डू बेचारा बहुत भोला था। चुन्नी लाल हर काम में लड्डू को कम पैसे देकर उसे सताता रहता था। लड्डू कम अकल वाला था तो वो हिसाब नहीं समझता था और सिर खुजाता हुआ ही रह जाता था। चुन्नी लाल हमेशा लड्डू को मारता रहता था, इसलिए लड्डू चुन्नी लाल से बहुत डरता था। एक बार चुन्नी लाल ने जानबूझकर लड्डू को कम पैसे देकर, सुन लड्डू, ये 200 रुपए पकड़ो और 10 किलो चावल, 5 किलो अरहर दाल और बाकी पैसों के फल और सब्जी लेकर आना। पैसे पूरे हुए कि नहीं पहले ही देख लो और मांग लो। बाद में आकर पैसे कम पड़े कहा तो तुम्हारी खैर नहीं। लड्डू सब सामान लेकर सब्जी वाले के पास आकर खरीदने वाला था कि अरे ये क्या, पैसे तो सारे खत्म हो गए। अब सब्जी और फल के लिए मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। अब मेरे पैसों से ही खरीदना होगा, नहीं तो वो मुझे बहुत मारेंगे, ऐसा उसने सोचा। फिर सब कुछ खरीद कर चुन्नी लाल के पास गया इस इरादे से कि उसे शक ना हो। हुजूर, सब कुछ ले आया, ये लीजिए, 10 रुपए भी बचे हैं, ये रख लीजिए, कहकर उसने पैसे देकर वहाँ से चला गया। अरे वाह, ये भोला भी है और समझदार भी है, मुझे शक ना हो इसीलिए उसने 10 रुपए लौटा भी दिया। हे भगवान, ये जिंदगी भर होशियारी से दूर और मेरे करीब रहे, ऐसा कुछ करो प्रभु। एक दिन एक स्वामी जी चुन्नी लाल के घर आए। चुन्नी लाल ने उन्हें प्रणाम किया। कैसे हैं स्वामी जी, आपको देखकर कई साल बीत गए, क्या आप इस बार मेरे लिए कुछ लेकर आए हैं स्वामी जी? हाँ बेटा, मैं जब भी तुमसे मिलने आता हूँ कोई ना कोई वस्तु तो लेकर ही आता हूँ ना। इस बार मैं ये जादुई कटहल लेके आया हूँ, ये जिसके घर रहेगा उसको बहुत फायदा होगा, कल्याण हो, कहकर उसे दिया। बाद में चुन्नी लाल ने उन्हें पैसे दिए। थैंक यू वेरी मच बेटा, मेरे कार लोन, हाउसिंग लोन, क्रेडिट कार्ड पेमेंट वगैरह भरना बहुत मुश्किल हो रहा था। वे एग्जीक्यूटिव मुझे फोन कर करके तंग करते रहते थे। समय पर तुमने मुझे पैसे दिया, इसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल, बाय बाय, कहकर चला गया। चुन्नी लाल ने उस जादुई कटहल को अपने अलमारी में रख कर प्रणाम किया। तभी उसके जेब में पड़ा फोन बज उठा दूसरी ओर से। कंग्रेचुलेशंस चुन्नी लाल, 10 करोड़ वाला रोड कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर तुम्हारा निकला है, अब तो तुम्हारे चांदी ही चांदी हैं। ये सुनकर चुन्नी लाल बहुत खुश हुआ। उसके बाद शिप का कैप्टन ने चुन्नी लाल को फोन किया। सर, अपना एक्सपोर्ट किया हुआ माल कम पड़ रहा है और ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं सर, कल से 10 गुना ऑर्डर चाहिए कह रहे हैं। तब चुन्नी लाल ने भक्ति और श्रद्धा के साथ कटहल को प्रणाम किया। एक दिन लड्डू, हुजूर कमरे में जब देखो कटहल की खुशबू क्यों आती रहती है, इस सुगंध से ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है ना हुजूर। ए, चुपचाप अपना काम करो, कटहल वटहल कुछ नहीं, इस सूंघ कर पहचानने के लिए तुम क्या कुत्ते हो, जाओ जाओ यहाँ से, कहा उसने चिढ़कर। एक बार उसके घर बहुत सारे मेहमान आए। अरे लड्डू, मेहमानों को कटहल की सब्जी खाने का बहुत शौक है, तुम तुरंत जाकर बाजार से कटहल ले आओ, ये लो पैसे, कहकर उसे पैसे दिए। बाजार में बहुत ढूंढने पर भी उसे कटहल नहीं मिला, क्या करें समझ नहीं पाया। और घर लौटा तो उसे कटहल की सुगंध आई, तो वो सारा कमरा छान मारा, फिर अलमारी खोलकर देखा तो उसमें कटहल दिखाई दिया। अरे कटहल तो यही है, अगर मालिक को बताया कि बाजार में कटहल नहीं है तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा, मेहमानों के सामने ही मुझे मारेंगे और मेरा अपमान हो जाएगा, मैं इसे ही ले जाता हूँ, कहकर वो उसे वहाँ से ले गया और चुन्नी लाल को थमा दिया। चुन्नी लाल ने उसे अपने पत्नी को दिया। फिर मेहमानों ने कटहल की सब्जी का आनंद लिया। अरे कटहल की सब्जी तो बहुत ही बढ़िया है भाई चुन्नी लाल। अरे लड्डू, ये तो कटहल का सीजन भी नहीं है, ये कटहल तुम्हें मिला कहाँ? हुजूर चुन्नी लाल जी, मुझे क्षमा करें, ये मैंने आपके अलमारी से ही निकाला था, बाजार में बहुत ढूंढा पर कटहल नहीं मिला, आप नाराज ना हो ये सोचकर मैंने इसे अलमारी से निकाल दिया और आपको दे दिया। तभी चुन्नी लाल का फोन बजा। फोन में, सर हमारे सारे नाव पानी में डूब गए हैं सर, और रोड कॉन्ट्रैक्ट भी हमारे हाथ से चला गया, सुना है कि आपके घर पर आईटी रेड होने वाला है, किसी ने आपके घर और जमीन के ऊपर
केस दर्ज किया है सर। बस ये सुनते ही चुन्नी लाल गश खाकर गिर गया। मिनी फ्लाई। एक गांव में मनीष नाम का व्यक्ति रहता था। वो गांव-गांव घूमकर लोगों की अच्छी तरह से ऑब्जर्व करके उनकी बातों से फुसलाकर अजीब अजीब चीजें बेचता था। एक दिन मनीष एक गांव के बीच में एक टेबल पर चश्मे रख कर बेच रहा था। इतने में तुकाराम नाम का एक व्यक्ति वहां आया। साफ साफ दिखने वाला चश्मा देना भैया, आपको दिखे ऐसा चश्मा चाहिए या फिर ऐसा चश्मा जिसे पहनकर आप किसी को भी ना दिखें? तुकाराम हैरान होकर, तुम क्या कह रहे हो, मैं चश्मा पहन लूं तो किसी को नहीं दिखूंगा? ये तो मिस्टर इंडिया वाली बात हो गई। सच सर, ये चश्मा एलियन टेक्नोलॉजी से बना है। अभी 2 दिन पहले ही बुध ग्रह से इसे रॉकेट में मंगवाया है। चाहे तो आप पहनकर देख लें। तुकाराम ने उसे पहना। मनीष एक आईना लेकर, सर आप कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। जरा आईने के सामने आइए सर। तुकाराम आईने के सामने आकर खड़ा हुआ। उस आईने में वो नहीं दिखा। तुकाराम हैरान हुआ। इतने में मनीष का एक आदमी वहाँ आया और वो मनीष से, अरे भाई तुम्हें एक राज की बात बताना है, जानते हो कल भाभी ने क्या किया? अरे चुप, कितनी बार कहा है कि घर की बातें गैरों के सामने नहीं किया करते। पर यहाँ हम दोनों के अलावा है कौन? कहकर पूरा घूमकर देखा। ठीक है तुम जाओ, अब बाद में बात करते हैं। उसके जाने के बाद, अच्छा है ये चश्मा मुझे चाहिए, इसे पहनकर हमारी गलियों में मैं को लोगों को और ऑफिस में मेरे बॉस को बहुत तंग करूंगा। कितने में दोगे? आपको मैं 2 लाख रुपए में दूंगा। तुकाराम ने खुश होकर पैसे दिए और चश्मा लेकर चला गया। बाद में तुकाराम उस चश्मे को पहनकर सड़क पर जाते हुए रास्ते पर जो जा रहे थे लोग उन्हें चिढ़ाने लगा। तभी एक जगह पर उस गांव का एसआई खड़ा था। तुकाराम, परसों इसने मुझे धमकाया था ना, आज इसे मजा चकाता हूँ। यूं सोचकर एसआई के पीछे जाकर उसके सिर पर जोर से मारा। एसआई गुस्से में पीछे मुड़ा। लगता है ये पीछे कोई नहीं है, देख कर परेशान है। क्यों रे, तेरी ये हिम्मत कि तुम मुझे ही मारते हो? कहकर उसकी अच्छी तरह धुनाई। बाद में लंगड़ाते हुए तुकाराम मनीष को ढूंढते हुए आया, पर वो वहां नहीं था। दूसरे गांव में मनीष एक घर पर जाकर साबुन लेकर गया। उस घर की औरत, हमें साबुन वाबुन कुछ नहीं चाहिए, जाओ जाओ आ जाते हैं सवेरे सवेरे। मैं आपको साबुन बेचने नहीं आया हूँ, मिसेस गुप्ता के घर का पता पूछने आया हूँ। उन्होंने इस जादुई सोप का ऑर्डर दिया था। क्या आप बता सकती हैं कि उनका घर कहाँ है? क्या मैजिकल सोप? जी हाँ, ये कभी घिसता ही नहीं। इसे नहाने से हर बार उम्र 6 महीने पीछे चली जाती है, त्वचा का निखार बढ़ जाता है। मिसेस गुप्ता इस साल की मिस वर्ल्ड में भाग लेना चाहती है ना, इसलिए उन्होंने इस साबुन का ऑर्डर किया था। भैया भैया वो साबुन मुझे दे देना, मेरी बहुत दिनों से इच्छा रही है कि मैं भी मॉडलिंग करूं। पर ये तो बहुत कीमती है, आप नहीं दे सकती। चाहे जितना भी हो ये मुझे ही चाहिए, उस मिसेस गुप्ता को तो मिलनी ही नहीं चाहिए बस। ठीक है, इतना जिद कर रही हैं तो मैं आपको दे देता हूँ। आप जल्दी से जाकर 5 लाख रुपए ले आइए, अगर मिसेस गुप्ता ने देख लिया तो साबुन छीन लेंगी। उसने अपने पति का खेत बेचकर और घर में रखे पैसे को मिलाकर उसे दे दिया और साबुन ले लिया। मनीष एक और गांव के एक होटल में चाय पी रहा था। सुरेंद्र नाम का एक व्यक्ति एक और व्यक्ति से, क्या बताऊं यार, मैं उस फ्लाइट पर नहीं ले जा पा रहा हूं, इस वजह से मेरी बीवी ने घर में खाना बनाना बंद कर दिया है। हर रोज इस होटल का खाना खा खा कर मैं तो तंग आ गया हूं। ये सुनकर मनीष उसके पास गया। क्या भाई साहब, कुछ फ्लाइट की बात कर रहे थे? मैं एक फ्लाइट कंपनी का सेल्समैन हूँ, क्या आप फ्लाइट खरीदेंगे? क्या फ्लाइट खरीदूं? अरे मुझे क्या अंबानी समझ रखा है? वो ज्यादा कॉस्टली नहीं है सर, सिर्फ 10 लाख ही है। आप उस पर अपनी पत्नी को बिठाकर घुमा सकते हैं, साथ साथ लोगों को बिठाकर बिजनेस भी कर सकते हैं। ये हमारी कंपनी का एनिवर्सरी ऑफर है, आप पर तरस खाकर ये कह रहा हूँ आपसे, आगे आपकी मर्जी। 10 लाख में फ्लाइट वो मुझे ही दिला दो यार, आपका पुण्य होगा। तो ठीक है, कल पैसे लेकर गांव के बाहर आ जाना। अगले दिन सुरेंद्र और उसकी पत्नी स्वप्ना गांव के बाहर खड़े थे। मनीष ने आकर सुरेंद्र से पैसे लिया। वो देखिए सर, फ्लाइट चढ़ जाइए। सुरेंद्र उसे देखकर चौंक गया। ये क्या, इतनी छोटी सी फ्लाइट, ये हवा में उड़ेगी कैसे? ये तो धोखा है।
मैंने क्या कहा था, फ्लाइट बेचता हूँ कहा? वो बड़ा फ्लाइट है, छोटी फ्लाइट है, हवा में उड़ती है या जमीन पर रेंगती है? ना तुमने पूछा ना मैंने बताया। हमारे कंपनी के रूल्स के मुताबिक एक बार डिलीवरी हो जाए तो फिर हम वापस नहीं लेते, कहकर वहाँ से चला गया। चलो कोई बात नहीं, फ्लाइट तो है, चलो चलते हैं। दोनों उस पर बैठे। वो जाने लगे तो लोग उन्हें देखकर हंस रहे थे। इतने में उनका बेटा टिंकू एक खिलौने वाले जीप में उनके सामने से आकर उनसे टकराया। वे दोनों नीचे गिर गए। एक दिन एक आदमी नकाब डालकर मनीष के पास आया। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, मनीष खुश होकर। अच्छा पैसे दें तो कोई भी मदद करने के लिए तैयार हूँ, बोलिए क्या करना है। मैं एक आदमी को मार डालना चाहता हूँ, सुना है वो इसी गांव में घूमता रहता है, अगर आप मुझे उसका पता बता देंगे तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। अच्छा वो दिखता कैसे है बताना। वो मनीष की ओर देखता हुआ, काला पैंट लाल कमीज पहनकर रहता है। अच्छा और उसके केंचुए की तरह मूछे हैं। अच्छा और बिखरे बाल हैं और चोरों वाली सूरत है। इस तरह का तो कोई व्यक्ति हमारे गांव में नहीं है। उसने नकाब उठाया, देखा तो तुकाराम मनीष डर गया। अच्छा ऐसा आदमी तुम्हारे गांव में नहीं है? क्यों नहीं है? अरे तुम हो ना, क्यों अब मैं तुम्हें दिख रहा हूँ, अब मैं तुम्हें दिख रहा हूँ ना, कहकर उसे खूब मारा। बाद में उसे पुलिस के हवाले किया।